हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एमएस इंस्टीट्यूट एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 8 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स फॉर क्लास 9th। ओके चलिए बेटा, पहले लास्ट लेक्चर का कोई रिविजन ले लेते हैं। लेक्चर 7 में हमने क्या स्टडी किया था? ओके इट इज़ द लेक्चर 7 एंड हेयर इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। बेटा पहले हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। उसके बाद में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में। कोई भी इंटर कन्वर्जन होगा तो वो कैसे दो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। और बेटा जब चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में इंटर मोलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो चेंज हो जाता है। और जब ये चेंज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि मैं इसके बीच में रिलेशन बता चुका हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है बेटा, सॉलिड स्टेट में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैसेज में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर बेटा, सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होगा? यहाँ पे एग्जैक्टली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सॉलिड में बिल्कुल पैक्ड हैं, लेकिन गैस में थोड़ा सा गैप है, सही है, लिक्विड में थोड़ा गैप है। तो बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाता है। फाइन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ये सारे के सारे प्रोसेस मैंने आपको बताए थे कब होते हैं। और आपने वाटर साइकिल भी पढ़ा है तो उसमें भी आपको इवेपोरेशन, कंडेंसन, ये फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये थोड़ा पता है आपको। क्लियर बेटा, फाइन। और अब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, तो भी सर बेटा बस टर्म्स याद रखनी है आपको। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस। कंडेंसेशन क्या होता है, जस्ट वाइस वर्सा, सो गैस टू लिक्विड। फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड। और जस्ट वाइस वर्सा मेल्टिंग, मेल्टिंग इज सॉलिड टू लिक्विड। तो आपको ये सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये टर्म्स याद रखनी है, इन्हीं पे बेस्ड डेफिनेशन आप खुद बना दोगे। जैसे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड दिस। ठीक है, तो एक डेफिनेशन मैंने आपको बना के दिखाई थी, आप सारी की सारी बना सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसेज स्टेट एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, बेटा एक डेफिनेट टेम्परेचर होगा, एक डेफिनेट प्रेशर होगा, इज नोन एज इवेपोरेशन। सही है बेटा, क्लियर? तो आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के बारे में बात की थी बेटा। सब्लिमेशन में क्या होता है, जस्ट जो सॉलिड है डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको ड्राई आइस का एग्जांपल लिया था, ड्राई आइस CO2 से बनती है और CO2 को सॉलिड में चेंज कर दिया जाता है, उसी को ड्राई आइस बोलते हैं। और जैसे ही हम जो ड्राई आइस है उसको एटमोसफेयर में लाते हैं, वो फटाफट से गैस में चेंज हो जाएगी। जैसे कैम्फर है, नेफ्थलीन बोल्स हैं, ड्राई आइस है। समझ आया बेटा, क्लियर? तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के। नेक्स्ट नेफ्थलीन बोल्स, मैंने आपको डिटेल में बताया था नेफ्थलीन बोल्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल्स ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन का एग्जांपल क्या है, फ्रोस्ट। ठीक है, फ्रोस्ट, तो बेटा फ्रोस्ट ये विंटर सीजन में मैं आपको बताया था। एक होता है फोग, फोग, फोग भी डिपोजिशन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि फोग से डिपोजिशन करके हम उसको काजल बना लेते हैं, जिसको आइस में डालते हैं। ठीक है, फोग। सो डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या है बेटा, आपको पता है डिपोजिशन इज गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड। रटने का ना, ये टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, अपने आप हो जाएगा। ओके, डिफ्यूजन फ्रॉम, फिर बेटा मैंने आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस बताया था। डिफ्यूजन क्या होता है, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। देखो डायग्राम से देखते हैं डिफ्यूजन, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ये लो कंसंट्रेशन है, तो फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन इसमें सॉल्यूट भी मूव करता है और सॉल्वेंट भी मूव करता है। लेकिन ऑस्मोसिस में ये भी फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, मींस वाटर मूव करेगा, सिर्फ वाटर मूव करेगा। क्लियर? तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मेन डिफरेंस होता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। तो बेटा आज के लेक्चर पे चलते हैं और पढ़ते हैं आज की बातें, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले बेटा तो टर्मिनोलॉजी है, बस थोड़ा सा देखना आपको, मैं आपको ईजी करके बता देता हूँ। एक्चुअल में एक है फ्यूजन और एक है सॉलिडिफिकेशन, एक है फ्यूजन और एक है सॉलिडिफिकेशन। बेटा फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे बॉम्ब में भी फ्यूजन होता है, तो जैसे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनमें फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब इसमें से जो है बेटा क्या होगा, फ्यूजन में एक्सप्लोड होगा। ठीक है, एक्सप्लोजन होगा। फाइन, सो फ्यूजन का जो मीन्स है बेटा, ये एक फिजिक्स का वर्ड है, लेकिन अगर हम इसको केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री में हम इसको फ्यूजन को सिंपल भाषा में मेल्टिंग से डिनोट करेंगे। मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होती है, जैसे आइस ली हमने, आइस का थोड़ा सा टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो आइस मेल्ट होगा, किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे हम फ्यूजन को मेल्टिंग समझते हैं। क्लियर? ओके, केमिस्ट्री के अंदर।
फ्यूजन को किससे? मेल्टिंग से. मेल्टिंग आपको पता चल गया, मेल्टिंग इज ए प्रोसेस ओके विच कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर. वो डेफिनेशन याद आ रही है बेटा? सोलिडिफिकेशन क्या होगा? सोलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड बन रहा है. सॉलिड कब बनता है? जब फ्रीजिंग होती है. सॉलिड कब बनता है? जब फ्रीजिंग होती है. तो बेटा फ्रीजिंग कब होगी? जब हम वाटर को बाउल में करके और फ्रीजर में रख देंगे तो फ्रीजिंग होगी वहाँ पे. मींस जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. देखो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ. आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेल्टिंग में. वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. और फ्रीजिंग में वाटर किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में. सॉलिड में मीन्स आइस में. आइस में ठीक है. ये क्या है बेटा? ये आइस सॉलिड है तो इसको मेल्ट होके क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. और यहाँ पे ये लिक्विड है, यहाँ पे इसको फ्रीजिंग करके ये क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा. आई होप क्लियर है. ठीक है बेटा जी, ये क्लियर होगा आपको. ठीक है बेटा. तो फ्यूजन मींस मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन मींस फ्रीजिंग ओके. फ्यूजन, फ्यूजन का मींस फ्यूज होना, पिघलना. पिघलना हिंदी में बोले तो ठीक है, फ्यूजन पिघलना. तो पिघलना मींस मेल्टिंग. मेल्ट का भी तो वही मींस होता है. ऐसे ही सॉलिडिफिकेशन मींस सॉलिड बनना. तो फ्रीजिंग में सॉलिडिफिकेशन. आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है बेटा. तो एग्जाम्पल से आपको इजिली चीजें समझ आ जाती हैं. आगे बढ़ते हैं बेटा. ठीक है बेटा, फाइन. देखो अगर कहीं पे वेपर की बात होगी तो बेटा वेपर को जो है वो गैसेस फॉर्म में माना जाता है. किस फॉर्म में माना जाता है? गैस की फॉर्म में. क्लियर ओके. वेपर को गैस की फॉर्म में माना जाता है. लेकिन जब हम वाटर वेपर देखते हैं तो वाटर वेपर बेटा आपने कभी कभी देखा होगा जब पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल कर देते हैं हम, तो वो पानी गैस की फॉर्म में ऊपर उठता है. मतलब धुआं धुआं सा, फोग सा दिखाई देता है हमें, तो वो गैस की फॉर्म में होता है. और थोड़ी देर के बाद कुछ हम देखते हैं वो वेपर, कुछ उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के भी होते हैं. कुछ पार्टिकल्स लिक्विड के भी होते हैं. समझ आया बेटा? फाइन. सो वेपर को वैसे गैस माना गया है. क्लियर. वेपर किसकी फॉर्म में आती है? गैस की फॉर्म में. अगर कोई वेपर पूछेगा तो वेपर इज ए गैस ओके. लेकिन वाटर वेपर में क्या है? वाटर है. देखो वाटर वेपर में क्या है? वाटर. वाटर का मीन्स लिक्विड और वेपर का मीन्स अभी मैंने बताया गैस. तो आगे ना बेटा, वाटर वेपर लिक्विड प्लस गैस, सिंपल है ना. वाटर वेपर को लिक्विड और गैस में करते हैं. चलिए बेटा एक्टिविटी 1.12 में देखते हैं. एक्टिविटी 1.12 देखते हैं क्या है ये. देखो बेटा जी, ये क्या बता रहा है एक्टिविटी 1.12? इसमें कोई एपरेटस रखा हुआ है और ये बीकर में, बेटा इस वाले बीकर में आइस रखी हुई है. क्या रखी हुई है? आइस रखी हुई है. और इसमें ये एक ऐसे ग्लास स्टीरर, मतलब मींस एक स्टिक लगाई है उसको मिक्स करने के लिए. और यहाँ पे थर्मामीटर है, इसके अंदर थर्मामीटर सेट किया हुआ है. यहाँ पे बर्नर चल रहा है, मतलब इसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है. क्लियर. तो जैसे जैसे आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा जी? क्या होगा उसको? उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ओके. उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा? वो आइस मेल्ट होना शुरू होगी. आइस क्या होगी? मेल्ट होना शुरू होगी. क्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा? मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है. सेम सेकेंड में आए अगर हम बी में, यहाँ पे भी बर्नर लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे तो आइस रखी थी बेटा. इस वाले में ए में तो आइस रखी थी. क्लियर. लेकिन बी में क्या रखा हुआ है? बी में बेटा वाटर रखा हुआ है. और यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है. तो बेटा जब हम वाटर को टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं ओके, हॉट फेज में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे भी सेम बिल्कुल वही है. बस यहाँ पे आइस रखा हुआ है और यहाँ पे वाटर रखा हुआ है. तो दोनों में क्या होगा बेटा? यहाँ पे तो आइस का मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और वाटर का क्या होगा? वाटर का जब एक टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा ये 100 पे, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो बेटा यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो बेटा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो कौन सा टेम्परेचर होगा, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगी. तो बेटा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब ये आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, मींस वाटर में बनना स्टार्ट कर देगी, मेल्टिंग पॉइंट. और यहाँ पे देखना है बेटा वो कौन सा पॉइंट होगा जब वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा. तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब वाटर बॉयल करना स्टार्ट होगा, उसी को बोलेंगे बॉयलिंग पॉइंट ओके बेटा. उसी को बोलेंगे बॉयलिंग पॉइंट. समझ आया बच्चा पार्टी? क्लियर ओके. तो यहाँ पे बेटा हम क्या देखेंगे,
हमने यहाँ पे देखे दो पॉइंट, एक तो मेल्टिंग पॉइंट, ए एपरेटस ए से देखा मेल्टिंग पॉइंट और बी से देखा बॉइलिंग पॉइंट। फाइन, बॉइलिंग पॉइंट आपने वाटर बॉइल होता हुआ देखा है बिल्कुल आपकी रूटीन लाइफ में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे बेटा, वो टेम्परेचर जिस पे मेल्टिंग होना शुरू हो जाती है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जो टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग होना शुरू हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है बेटा। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे वो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? 0 डिग्री। सेम बेटा, अगर वाटर का टेम्परेचर 100 पे पहुंच जाएगा तो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा? 100 डिग्री। तो बेटा पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री। सही है, क्लियर? इसके बारे में भी और डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। ओके फाइन, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। आई होप क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये याद होने चाहिए, 5th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। ओके, बहुत ही बेसिक पॉइंट है और ये आगे तक चलता रहेगा, 5th 6th 7th 8th पढ़ के आए हो बहुत डिटेल में। तो मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो पहली एक्टिविटी थी 1.12, इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। और ये मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, एंड द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट टू बॉयल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया बेटा जी? सो वो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि क्या बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है और क्या मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सो एक्टिविटी 1.13 में बेटा क्या दिखाया गया, इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस दिखाया गया। सब्लिमेशन आपको पता है सब्लिमेशन क्या होता है? अब तो आप अच्छे बच्चे बन गए हो। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में बेटा जो डायरेक्ट सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में। सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे हमने, कैम्फर लिया था, नेफ्थलीन बॉल्स ली थी, ओके, ड्राई CO2 ली थी, ओके। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, बिल्कुल सेम वही बर्नर रखा हुआ है और यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क है ये, ठीक है बेटा, क्लियर। यहाँ पे ये फ्लास्क है, इसमें ये अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है बिल्कुल सॉलिड, ठीक है बेटा। ये क्या रखा हुआ है इसमें, अमोनियम क्लोराइड, ये रहा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है बेटा। अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NH4Cl। आप याद करना चाहो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे भी क्लासेस में काम आएगा, ठीक है, 9th में 10th में बहुत ज़्यादा। NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, क्लियर, NH4Cl। तो बेटा इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको गर्म किया तो बेटा ये क्या किया, इसका यहाँ पे ये ग्लास के जो ये लिड है इस पे कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग का मतलब थोड़ी सी कॉटन यहाँ पे लगा दी, जिससे कि इसका जो वो है, जिससे जो इसका मुँह है वो बंद हो जाए। तो अब बिल्कुल बंद है ये फ्लास्क, ठीक है, अब इसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, कोई चीज़ इससे बाहर नहीं जा सकती। तो बेटा NH4Cl क्या है, ये इसका क्या होगा, जब ये ऐसे गर्म होगा तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, मीन्स वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो वेपर्स में चेंज हो जाएगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कॉटन लगी हुई है इसके यहाँ पे एंट्री पे, क्लियर, तो ये बाहर नहीं जाने देगी। तो वेपर क्या हो जाएंगे, वेपर इसी बर्तन में ऐसे इसकी वॉल पे डिपॉजिट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स हैं, ठीक है बेटा जी, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स हैं यहाँ पे। तो ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे और कुछ देर बाद क्या देखेंगे, जब ये वेपर अभी तो गर्म हो रहे हैं, जब ये बर्नर बंद हो जाएगा और ठंडा हो जाएंगे, फिर से वापस सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है बेटा, फिर से वापस सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस देख रहे हैं बेटा, NH4Cl, जब NH4Cl को गर्म किया जाता है, NH4Cl को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है फाइन। तो सीधा ये सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पे, ये किस फॉर्म में बदल जाता है, ये गैस की फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है बेटा, NH4Cl, ये वेपर की फॉर्म में बदल जाता है, वेपर की फॉर्म में, वेपर मीन्स गैस, समझ आया, यही प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन। तो बेटा सब्लिमेशन समझ आ गया होगा, हमने इस एक्टिविटी से क्या पढ़ा, सब्लिमेशन के बारे में देखा, सब्लिमेशन कैसे होता है, फाइन। तो बेटा क्या हुआ, अगर सॉलिड गैस में चेंज होगा तो सब्लिमेशन होगा, और वापस से जो प्रोसेस है, जो वो गैस जो सॉलिड में वापस चेंज होगी ठंडा होने पर, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। आई होप क्लियर है, ठीक है बेटा, एक्टिविटी। तो यहाँ इस एक्टिविटी से हमें सब्लिमेशन के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा जी, अब हम बात करेंगे एक नया टर्म, हीट। और हीट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्लियर, हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फाइन। जैसे मतलब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगी, जैसे अभी जल्द
टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें गर्मी लगनी शुरू होती है क्योंकि हीट इंक्रीज होती है। अगर हीट डिक्रीज होगी तो हमें कूलिंग फील होगी। फाइन, सो बेटा बात करते हैं हीट की। और सबसे पहला लेटेंट हीट, तो इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या है लेटेंट हीट, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे देखना ध्यान से बेटा, अभी मैंने आपको ये लिखवाया था मेल्टिंग पॉइंट, वापस वहीं पे आते हैं, ध्यान से समझना। अभी आपने मैंने आपको लिखवाया मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग का मतलब है कि यहाँ पे आइस वाटर में चेंज हो रही है, ठीक है बेटा। और आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हो कि अगर हमें आइस में कन्वर्ट करना होता है वाटर को आइस में कन्वर्ट करना होता है, तो तब भी हमें टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, 0 डिग्री पे आइस बन जाती है, ऐसा बोलते हैं ना, सिंपल 0 डिग्री पे आइस बन जाती है। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, अगर हमें वाटर से आइस बनानी है, अगर हमें वाटर से आइस बनानी है तो भी टेम्परेचर 0 डिग्री है, और मैंने मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री लिखवाया, मीन्स अगर आइस से वाटर बनाना है तो भी टेम्परेचर 0 है। कहने का मतलब वाटर से आइस बनाओ या फिर आइस से वाटर बनाओ, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो टेम्परेचर तो एक ही है, सेम है टेम्परेचर, लेकिन ये ऐसे कैसे हो जाता है कि उसी टेम्परेचर पे वाटर से आइस बन जाती है और आइस से वाटर बन जाता है। सेम टेम्परेचर पे होगा ये सारा काम, ठीक है बेटा, दोनों काम सेम टेम्परेचर पे होंगे, क्लियर, मीन्स वाटर से आइस और आइस से वाटर, फाइन, सेम टेम्परेचर पे होंगे। तो बेटा टेम्परेचर तो सेम है, फिर ये क्यों हो जाता है बेटा, यहाँ पे ना कुछ हीट होती है, और वो हीट कैसी होती है, हिडन होती है, वो हीट कैसी होती है, हिडन होती है। टेम्परेचर तो सेम होता है, और वो हीट, कुछ हीट होती है इस रिएक्शन में, वो हीट हिडन होती है, पता नहीं चलता है उस हीट का, हिडन होती है, लेकिन वो हीट यूज होती है वाटर से आइस बनाने में और आइस से वाटर बनाने में, क्लियर हुआ, फाइन, ठीक है बेटा। वो हीट यूज होती है वाटर से आइस बनाने में, क्लियर, तो आई होप समझ आया आपको। तो बेटा कुछ हीट हिडन होती है, इसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। इसी हीट को क्या बोलते हैं बच्चे पार्टी, लेटेंट हीट, क्लियर, तो इसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके बेटा, फाइन, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, बिल्कुल सेम टेम्परेचर होगा, और एक हिडन हीट होती है। ओके, उसी हिडन हीट पे क्या हो जाता है, आइस लिक्विड में चेंज हो जाता है। सो चलिए देखते हैं। सो बेटा क्या होता है, सबसे पहले एक टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको 0 डिग्री का एग्जाम्पल लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और हिडन हीट होती है वहां पे, जो यूज होती है, ओके, आइस आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए, मीन्स आइस को वाटर में चेंज करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, फाइन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आइस होगा और ये वाटर में चेंज होगी, यहाँ पे क्या, लिक्विड में चेंज होगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बेटा एक हिडन हीट होती है, इसी हिडन हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है, ठीक है बेटा, याद रखना, लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है, ठीक है, ये साइंटिफिक वर्ड है लेटेंट, और हिडन सिंपल वर्ड है, इसे समझ आ गया, ओके, फाइन, क्लियर, ये क्या है बेटा, लेटेंट हीट। सो चलिए बेटा लेटेंट हीट के बारे में देखते हैं, ये लेटेंट हीट होती क्या है, क्लियर। सो लेटेंट हीट में क्या होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, एंड इट्स ए हिडन हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विट कन्वर्ट्स सॉलिड इंटू लिक्विड, क्लियर, फाइन। चलिए तो बेटा लेटेंट हीट देखते हैं, वॉट इज द लेटेंट हीट। अब हम इसकी अब हमने इसकी टर्मिनोलॉजी रेडी कर ली है, मीन्स इसमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है और ये एक हिडन हीट होती है जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना बेटा। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए, लेटेंट हीट क्या होती है, इट इज ए हिडन हीट, हिडन हीट, HEAT, हिडन हीट, इट इज ए हिडन हीट दैट विच, हिडन हीट विच इज यूज्ड
to convert from one state means solid से liquid state है ना, from one state into another state. और बेटा क्या होगा at temperature, कैसा होगा constant temperature. आई होप क्लियर आ गया, सही है ना बेटा, फाइन. सो लेटेंट हीट क्या, इट्स ए हिडन हीट विच इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था. क्लियर बेटा जी, फाइन. तो आई होप समझ आ गया होगा यहाँ पे. तो बेटा जो लेटेंट हीट होती है, अगर हम इसकी बात करें लेटेंट हीट तो बेटा लेटेंट हीट टू टाइप्स की लेटेंट हीट होती है. एक सबसे पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक तो ये होती है. सेकंड होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है बेटा, फाइन. सो दो टाइप की लेटेंट हीट होती है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. फाइन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है बेटा, फ्यूजन क्या होगा, फ्यूजन का मीन्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना. बेटा जी टेम्परेचर कैसा रहेगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है. और वेपराइजेशन, वेपर कैसे बनते हैं भाई, जब लिक्विड से गैस में चेंज होगा तभी तो वेपर बनेंगे, लेकिन कैसे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तभी तो लेटेंट हीट होगी, लेटेंट हीट की यही तो कंडीशन है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए. आई होप बेटा जी क्लियर है. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट. फर्स्ट वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, इन विच सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. एंड द सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू गैस स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ओके बेटा, सो लेटेंट हीट समझ आया होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है लेटेंट हीट इज ए हिडन हीट कन्वर्ट वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट. ये और एट कॉन्स्टेंट टेम्प, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट ये, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सिंपल डेफिनेशन अपने आप इजीली याद हो जाएगी, मैंने लिखवा भी दिया आपको लिए. ठीक है बेटा, ये लेटेंट हीट होती है, टू टाइप्स की होती है, हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. फ्यूजन कब होगा, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा. अभी मैंने आपको बताया मेल्टिंग. ओके, फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग होता है. मेल्टिंग कब होती है, जब सॉलिड से लिक्विड चेंज होगा. ओके, वेपराइजेशन लिक्विड से गैस चेंज होगा, सिंपल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा, फाइन. सो बहुत ईजी है, बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए. क्लियर बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट करते हैं बेटा, एक छोटा सा ग्राफ है जो आपको लेटेंट हीट के बारे में समझाएगा. देखो बेटा जी कैसे काम करती है लेटेंट हीट. ये आपका ग्राफ है, सपोज करो ये सॉलिड था. ठीक है बेटा, ये सॉलिड है. अभी ये सॉलिड है तो हमने इसको अभी मेल्ट करना शुरू करेंगे, इसको मेल्ट करना स्टार्ट किया सॉलिड को. तो ये मेल्ट करते करते, जब ये मेल्टिंग शुरू हुई, इसकी यहाँ से मेल्टिंग शुरू हुई, तो ऐसे करते करते अभी तक तो सॉलिड है, ये पिंक कलर की लाइन सॉलिड है. उसके बाद ये धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने लगा और यहाँ तक लिक्विड में चेंज हुआ. तो बेटा यहाँ पे देखो, पहली बार तो ये एक्स एक्सिस है हीट एडेड, और ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में, और ये टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे. ठीक है बेटा, तो जब हम यहाँ पे देखो, आप ये सॉलिड है और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं जैसे ये एरो जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे तो हीट कम होगी इस साइड में. जब हम ऐसे मूव करेंगे इसके अलोंग एक्स एक्सिस के, तो हीट ऐड होती जा रही है ना, कुछ हीट ऐड, जो हीट है वो ऐड होती जा रही है. लेकिन बेटा टेम्परेचर, बस हम तो इसी टेम्परेचर पे हैं, हम तो सेम टेम्परेचर पे हैं, इस टेम्परेचर पे हैं. ओके, हम तो टेम्परेचर तो सेम है ना, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, लेकिन हीट ऐड होती जा रही है. लेकिन वो हीट कैसी है, वो एक हिडन हीट है. तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड
इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि ऐसे अगर ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, नीचे जाएंगे डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ तो हमने कांस्टेंट ले लिया ना, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मेल्टिंग का। और वापस अगर वाइस वर्सा देखें तो इसी टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। पता है आपको प्रोसेस के नाम, अब तो याद हो गए। तो बेटा वो क्या है, वो टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे ये सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो आइस है वो वाटर में चेंज हो रही है, या फिर वाटर आइस में चेंज हो रहा है। अगर आइस वाटर में चेंज होगा तो मेल्टिंग होगा, अगर वाटर आइस में चेंज होगा तो फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा। लेकिन टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री, लेकिन बेटा हीट ऐड होती जा रही है, हीट ऐड होती जा रही है, हीट ऐड होती जा रही है, मीन्स जो ये हीट ऐड हो रही है, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से शुरू हुआ ये मेल्टिंग का प्रोसेस, और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई हीट कुछ तो ऐड हुई होगी ना, सपोज करो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ऐसे कुछ हीट ऐड हो रही है, मतलब हीट की जो क्वांटिटी है, हीट का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो बेटा ये वाली जो हीट होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हीट जो होगी, ओके, ये जो हीट होगी ओवरऑल, ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, ये जो हीट होगी पूरी, ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सही है। मींस आइस को वाटर में बदलने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप क्लियर है, ठीक है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आया हमारा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गया, ठीक है फाइन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 0 डिग्री पे अभी ये लिक्विड बन गया, लिक्विड बनते बनते फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखो ऐसे धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और सपोज करो ये एक पॉइंट आ गया है, इस पे ये अभी लिक्विड है, ये अभी लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, ये अभी लिक्विड है यहाँ पे, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे यही टेम्परेचर आ गया, सेम टेम्परेचर पे जब लिक्विड आए, लेकिन हीट क्या हो रही है, हीट तो ऐड होती जा रही है, हीट तो ऐड होती जा रही है, हीट ऐड होती जा रही है। तो बेटा टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर तो हमें यहाँ पे ही आ गए बस, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो रहा, लेकिन हीट ऐड होती जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये लिक्विड एक टेम्परेचर पे, ये ऐसे अभी लिक्विड है, फिर ये एक टेम्परेचर पे सेम यही टेम्परेचर है, लेकिन जैसे हीट ऐड होती जा रही है तो ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो बेटा जो ये वाटर है, मीन्स लिक्विड है, ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वेपर में। ओके, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है बेटा। टेम्परेचर वाटर वेपर में कन्वर्ट कब होता है, जब टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, तभी बॉयल होकर वाटर में कन्वर्ट होता है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम यही रहेगा 100 डिग्री। और बेटा जो भी हीट है ओवरऑल, जो ये वाली हीट है, ओके, ये ओवरऑल हीट जो लगी यहाँ पे, इसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कौन सी हीट को, जिस, ओके, बाय विच वी कैन कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर, दिस हीट नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ आया बेटा, फाइन। सो देखो टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री था, इसी 0 डिग्री पे आइस को वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाइस वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं, और जैसे हम चेंज करेंगे उसी के बेसिस पे हम प्रोसेस का नाम देंगे, जैसे हमने लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो उसी बेसिस पे प्रोसेस का नाम है। अगर वाटर से आइस में होगा तो फ्रीजिंग होगा, और वाइस से वाटर में होगा तो मेल्टिंग होगा, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, लेकिन बेटा कुछ हीट, जो हीट है ये हिडन है, लेकिन ये हीट एडेड होती जा रही है, तो इसी हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मीन्स होता है मेल्टिंग, सही है बेटा। और जो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द हीट विच इज यूज टू कन्वर्ट वाटर स्टेट इंटू गैसेज स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हीट रिक्वायर्ड है वो उसका नाम क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बेटा मैंने आपको हीट के दो टाइप्स बताए थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे, लेटेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बेटा दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है बेटा। जो मैंने आपको अभी वर्ड्स में समझाया था वही ग्राफ की हेल्प से मैंने आपको
बता दिया। तो बेटा मैंने आपको अभी भी बताया था कि दो टाइप की हीट होती है, दो टाइप की हीट होती है, और उसमें क्या होता है, दो टाइप की हीट में लेटेंट हीट ऑफ, अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़न से क्या होता है बेटा, मेल्टिंग, मींस सॉलिड को किसमें चेंज करेंगे, लिक्विड में, ये होगा सॉलिड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में किसमें होगा बेटा, लिक्विड है, अभी सॉलिड के बाद तो लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे, सिंपल। और टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसमें देखें, इस वाले प्रोसेस में 0 डिग्री रहता है और इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा जी, फाइन, ओके। सो ये हमने आपको आज लेटेंट हीट के बारे में बताया, आगे बढ़ते हैं बेटा जी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। देखो मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में बताई थी जब इंटर कन्वर्जन का टॉपिक लिया था कि यहाँ पे दो पॉइंट पे डिपेंड करेगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो पहले इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देख लेते हैं, ये तो आपको भी आता है, बहुत ईजी है। तो बेटा इसको देख लेते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेज स्टेट, गैसेज स्टेट। तो बेटा एक बात बताओ, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मीन्स इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में, और लिक्विड को और भी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो किस में होगा, गैस में। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, हीट कब आएगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सही है ना, फाइन। तो सॉलिड को हीट कर रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड को हीट कर रहे हैं गैसेस में। अब बेटा हम गैस को थोड़ा कूल करेंगे, गैस को थोड़ा सा कूल करेंगे, तो गैस को जब कूल करेंगे तो लिक्विड पे चेंज होगा, और लिक्विड को अगर कूल करते हैं, कूल का मतलब ठंडा, और लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, आइस बन जाएगी। तो जब हम इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, हीट का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, और जब हम इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं, इस साइड में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कूल कर रहे हैं, कूल करने का मीन्स टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आई होप, ठीक है बेटा। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो बहुत इजीली समझ आ गया होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गैस में चेंज होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो गैस लिक्विड में और लिक्विड गैस सॉलिड में चेंज होगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको, हीट क्या मीन्स है, टेम्परेचर इंक्रीज, और कूल का मीन्स है टेम्परेचर डिक्रीज, ये तो आप पहले से ही जानते हो, बचपन से जानते हो, ठीक है बेटा, फाइन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, यहां पे हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, पहले हमने टेम्परेचर का देखा था बेटा, हाई प्रेशर, ओके, आपको ये बात ध्यान रखना है कि हाई प्रेशर होगा, क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। तो बेटा हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर होगा, इस पर क्या होगा, इन दोनों कंडीशन पे, जब भी ये दो कंडीशन होगी, हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा, तो बेटा अगर इस इन दोनों कंडीशन पे कोई भी गैस हमारे पास होती है तो वो लिक्विफाई हो जाती है, क्या हो जाती है, वो लिक्विफाइड हो जाती है, मीन्स गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, किस, प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, देखो बेटा ये हमने एक सिलेंडर लिया, पूरा सिलेंडर है ये, और ये इसका पिस्टन है, पिस्टन समझते हो ना, जिससे हम फोर्स लगाते हैं, जैसे ये समझ लो कि कोई सीरीज है, और जैसे सीरीज में मेडिसिन हमने भरी, तो बेटा जिसको जो वो वाला पार्ट होता है जिसको हम अपने थंब से प्रेस करके इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, उसको दबाते हैं ना, उसी को पिस्टन बोलते हैं। तो ये पूरा सिलेंडर है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वुडन कलर का दिख रहा है आपको, ये सारा पिस्टन है। तो बेटा इसमें ना एक गैस है, यहाँ पर इस सिलेंडर में क्या है, गैस है। अब हम इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, तो बेटा अगर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर इंक्रीज़ किया हमने, हाई प्रेशर दिया, तो वो गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई, किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। फिर और ज़्यादा प्रेशर दिया, तो देखो अभी इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, तो थोड़े पास आ गए, तो इसलिए लिक्विड में चेंज हो गया। अभी इसके मॉलिक्यूल थोड़ी दूर दूर हैं, अब और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। समझ आया बेटा, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस लिक्विड में चेंज होगी, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा। लेकिन अगर एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो डायरेक्टली गैस सॉलिड में चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटा। गैस किस में चेंज हो सकती है, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, गैस
सॉलिड में भी चेंज हो सकती है, ठीक है बेटा। फाइन, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था ड्राई CO2 का, ड्राई CO2, तो CO2 तो गैस होती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। आई होप क्लियर है, ठीक है बेटा जी। फाइन, तो बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर यहाँ पे क्या है, अगर हम थोड़ा प्रेशर जैसे जैसे अप्लाई करेंगे तो गैस लिक्विड में चेंज होगी और लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, फाइन। और अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देंगे तो गैस डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है, ओके। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, सब कुछ अच्छे से आपने पढ़ लिया है। अब आप बन गए हो इंटेलिजेंट वाले बच्चे, तो बेटा इससे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। एक बार फिर से क्विक रिविजन लेते हैं लेक्चर का विद इन 2 मिनट्स। आज क्या पढ़ा हमने? सो बेटा जी, आज हमने पढ़ा पार्ट 8 ऑफ लेक्चर 1। मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। फ्यूजन इज नोन एज मेल्टिंग, ओके। मेल्टिंग को ही फ्यूजन बोलते हैं सिंपल। सॉलिडिफिकेशन का मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना, मीन्स अगर कोई लिक्विड स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे फ्यूजन को रिलेट करेंगे मेल्टिंग से और सॉलिडिफिकेशन को फ्रीजिंग से, ठीक है। बस आपको मेल्टिंग और फ्रीजिंग याद रखना है, ओके। फाइन, देखो बेटा, वेपर, वेपर को गैस, गैस की फॉर्म में, वेपर को किसकी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है, तो गैस स्टेट में होता है। लेकिन वाटर वेपर में वेपर भी होते हैं और वाटर के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। तो वाटर क्या है, लिक्विड है, और वेपर क्या है, गैस है। तो वाटर वेपर को गैस और लिक्विड में कर सकते हैं, फाइन, क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी 1.12 का जो ए पार्ट है वो आपको बेटा, उसमें आइस रखी हुई है बीकर में और बाकी चीज़ें सेम है, थर्मामीटर लगा हुआ, बर्नर लगा हुआ है, ये सब एपरेटस है पूरा का पूरा। और बी में क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। लेकिन बेटा ए में क्या कर रहा है, वो आइस को गर्म कर रहा है, तो आइस मेल्ट होगी यहाँ पे, तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, मेल्टिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पे आइस मेल्ट होना शुरू होगी वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। और पार्ट बी में जो लिक्विड है वो धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो जिस वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग। तो यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। सो बेटा वो टेम्परेचर जिस पे आइस मेल्ट होना शुरू होगी वो टेम्परेचर होगा मेल्टिंग पॉइंट, और वो कितना होता है, 0 डिग्री। वो टेम्परेचर जिस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री, ये आपको पता है पहले से ही, ठीक है बेटा। फाइन, एक्टिविटी 1.13 में हमने देखा बेटा सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन क्या होता है, जो डायरेक्टली जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। जैसे हमने कैम्फर का एग्जांपल देखा, नेफ्थलीन बोल्स का देखा, उसी तरह से एक केमिकल और है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो बेटा जब इसको गर्म करते हैं इसकी वेपर फ्लास्क की वॉल पे डिपॉजिट हो जाती हैं, जम जाती हैं, क्योंकि ऊपर से जो इसका लिड है वो क्लोज्ड है कॉटन प्लग से, कॉटन लगाई हुई है वहाँ पे, तो ये डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और सब्लिमेशन इसी को तो बोलते हैं, अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा बोल सकते हैं, तो वो क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इज ए एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, सही है बेटा। फाइन, क्लियर, चलिए। सो एक्टिविटी 1.13, इसके बाद हमने देखा लेटेंट हीट। बेटा लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट के लिए कुछ कंडीशन होती है, इट्स ए हिडन हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच कन्वर्ट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ये इट्स ए हिडन हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच कन्वर्ट्स इनटू फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो वही मैंने आपको ये पॉइंट्स बना के लिखवाए हैं। पहली बात तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा, हिडन हीट होगी और एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करेगी, इसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। वही फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा दी, डेफिनेशन लिखा दी आपको, इट्स ए हिडन हीट विच इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्लियर हुआ बेटा, फाइन। फिर मैंने आपको ग्राफ की हेल्प से बताया कि ये जो हीट होती है वो कितने टाइप की होती है, ये हीट 2 टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्स एक्सिस पे वो हीट ऐड हो रही है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है लेकिन कुछ हीट ऐड होती जा रही है। तो बेटा वही हीट क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ जो मेल्टिंग प्रोसेस में काम आएगी हीट, उसी को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट 0 डिग्री, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट 0 डिग्री टेम्परेचर पे काम करेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट बेटा आप फिर लिक्विड से चलते रहे, टेम्परेचर बढ़ता रहा और फिर एक पॉइंट आया, ऐसा एक टेम्परेचर आया जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो गया। वो टेम्परेचर क्या था, 100 डिग्री, बिल्कुल 100 डिग्री पे ये काम होगा, लेकिन बेटा टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा लेकिन हीट ऐड होती रहेगी। तो वो लेटेंट हीट, वो जो हीट है, वो जो हिडन हीट है जो ऐड हो रही है, उसी हिडन हीट को क्या कहा गया है, यहाँ पे बेटा वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो 2 टाइप की हीट होती है,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। फिर उसके बाद हमने बात की इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये तो बहुत ईजी था, सॉलिड को हीटअप करोगे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड में, और भी ज़्यादा हीटअप करोगे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैसेज स्टेट में, गैस को थोड़ा कूल करोगे तो इस लिक्विड में चेंज हो जाएगा मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और भी कूल करोगे टेम्परेचर कम करोगे मीन्स सॉलिड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। बेटा इसमें क्या लिया हमने, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन रखेंगे, हाई प्रेशर लेंगे और लो टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, जब भी इस कंडीशन में कोई भी गैस लिक्विफाई हो जाती है, जैसे आपको पता है हमारी जो एलपीजी के सिलेंडर होता है उसमें जो एलपीजी गैस होती है लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, वो लिक्विड की फॉर्म में होती है, वो लिक्विड की फॉर्म में होती है, वैसे तो वो गैस होती है लेकिन उसको बहुत हाई प्रेशर पे सिलेंडर में डाला जाता है तो वो लिक्विड की फॉर्म में हो जाती है। जब भी आप कभी उसमें देखेंगे ना तो उसमें लिक्विड भरा रहता है, वो लिक्विड की फॉर्म में होती है लेकिन जैसे ही वो लिक्विड बाहर एटमोसफेयर में आएगा वो गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो बेटा वो गैसेस लिक्विड की फॉर्म में हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उन पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो बेटा ये पिस्टन है, मैंने एग्जाम्पल लिया, जब इसमें गैस ली हमने, ठीक है फाइन, तो जब इस पर बहुत प्रेशर अप्लाई किया तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। क्यों, क्योंकि बेटा गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं लेकिन जब हम उन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उनके बीच के इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम हो जाएगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो उनके इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वो फिर सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो बेटा क्या होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस डायरेक्टली कभी कभी सॉलिड भी बन जाती है। उसका एक ड्राई CO2 मैंने आपको एग्जांपल बताया। ओके बेटा, सो इसी तरह से आप रिवाइज किया करो पूरे लेक्चर का, इसके लिए आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड होते हैं। वीडियो देखने के बाद आप आराम से क्लास नोट्स से रिवाइज कर सकते हो और आपके कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में बने रहेंगे, हमेशा माइंड में सेट रहेंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके बेटा जी, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, और बेटा रिवाइज करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके चलिए बेटा, सो इट्स एनफ फॉर टुडे, नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ गुड डे।